नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से एक नई अपडेट निकल के सामने आई है और ऑफिशियल नोटिस एमडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को एमडी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो नोटिस जो यूनिवर्सिटी पर डाला गया है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको यहाँ बताया जाएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और दोस्तों, इस नोटिस में यहाँ आप सब्जेक्ट्स देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो सब्जेक्ट्स में इन्होंने बता रखा है कि एडमिशन्स टू 3rd, 5th, 7th, 9th सेमेस्टर फॉर दी सेशन 2020-21, यानी कि जो 2020 और 21 के सेशन के लिए आपके एडमिशन होने थे, उसकी प्रोसेस को लेकर एमडीयू की तरफ से इस नोटिस को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ही समय पहले अपलोड किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपके बीच लेके आया हूँ। दोस्तों, जो भी इवन सेमेस्टर का विद्यार्थी है, चाहे वह किसी भी कोर्स से बिलोंग करता हो, यूजी का विद्यार्थी हो, पीजी का हो, बीएड का हो, जहाँ भी सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई होता हो, चाहे वह बीटेक का हो, एमसीए हो, बीसीए हो, बीबीए हो, एमबीए हो, जहाँ भी सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई होता हो दोस्तों, वो 3rd, 5th, 7th और 9th सेमेस्टर के विद्यार्थी अपने आप को प्रमोट माने, यहाँ उनके एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस डाल दिया गया है और इस नोटिस में इन्होंने बताया है कि 3rd, 5th, 7th और 9th सेमेस्टर के विद्यार्थी नए सेशन के लिए अपने दाखिले की इन्होंने तिथि निर्धारित कर दी है, और उस निर्धारित तिथि के अनुसार आप अपना जो एग्जाम की फीस है उसको जमा करा के, और आने वाली जो 1 अगस्त है उससे अपनी आगामी कक्षाएं जो हैं उसकी तैयारी स्टार्ट कर दे। ऑनलाइन जो क्लासेज लगाई जाएंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, कंप्लीट तैयारी कर ली गई है, अब आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी होगी। कोविड-19 की वजह से जो आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, जो आपके एग्जाम कैंसिल हुए हैं, आपको प्रमोट किया गया है, तो अब आपको कॉलेज ना जाके अपने घर पे ही स्टडी करनी होगी, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करनी होगी दोस्तों। और यहाँ इन्होंने अपना समय निर्धारित कर दिया है कि जो भी विद्यार्थी इवन सेमेस्टर से बिलोंग करता हो, इसमें 3rd, 5th, 7th और 9th सेमेस्टर को इंक्लूड किया गया है दोस्तों, यहाँ आप देख पाओगे कि 16/7/2020 से, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच बीच आप अपनी जो फीस है उसको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करवा दें। और उसके बाद दोस्तों 1 अगस्त 2020 से यहाँ आप देख पाओगे ऑनलाइन मोड से आपकी जो कक्षाएं हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये इस नोटिस में बताया गया है। नोटिस को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है, डाल दिया है, आप वहाँ देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जितने भी बच्चे जुड़े हैं उन सभी को भी इस नोटिस की जानकारी दे दी गई है। आप भी यदि इस नोटिस को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके इस नोटिस को देख सकते हो, या फिर आप एमडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके वहाँ देख सकते हो। न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंदर सबसे पहला, यानी कि आज के दिन में सिर्फ यही एक नोटिस अपडेट किया गया है, जिसकी जानकारी आपको दे दी गई है। तो इस सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनको प्रमोट कर दिया गया है, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। समथिंग माना जा रहा है कि 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाए, ऐसा सुनने में आ रहा था। हो सकता है इसमें कोई 5, 7, 10 दिन का समय कम या ज़्यादा भी लग सकता है दोस्तों, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है रिजल्ट को लेकर, पर फिलहाल जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वह यही है कि जो 3rd, 5th, 9th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उन सभी के नए सेशन के जो एडमिशन हैं उसको लेकर यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिस पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नोटिस अपडेट कर दिया है। और आप समय रहते अपनी फीस जमा करा दें और आप आगे की जो भविष्य की जो कक्षाएं हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा, उसको लेकर अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करें दोस्तों। फिलहाल की इस वीडियो में आपके साथ यही सब जानकारी मुझे शेयर करनी थी, भविष्य के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।